हेलो दोस्तों, मैं सुधीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं जी सुधीर ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। टाइम क्या होता है एंड टेंस, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। हम सबसे पहले हम टाइम को देखेंगे। टाइम मीन्स होता क्या है? टाइम मीन्स होता है हमारे सिचुएशन। हमारा जो सिचुएशन है उसको हम अकॉर्डिंग टू टाइम। अब सिचुएशन को हमको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारे सिचुएशंस कभी कभी हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट सिचुएशन आता है पास्ट, जो कि इन पास्ट मतलब जो बीत चुका है, जो हो चुका है, समथिंग हैपेंड। एंड प्रेजेंट समथिंग हैपनिंग, जो हो रहा है। एंड फ्यूचर, जो कि होने वाला है, समथिंग हैपनिंग इन फ्यूचर। ये तो हमारा जगह फ्यूचर। अब आते हैं, हम देखते हैं टेंस क्या होता है। तो टेंस होता है, टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। जो हमारे वर्ब्स है वो हमारे, उसके फॉर्म्स का स्टडी करना हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है टेंस। तो टेंस का हम डेफिनेशन देखेंगे, टेंस कितने टाइप से होते हैं और क्या होते हैं। तो डेफिनेशन हम देखेंगे, डेफिनेशन क्या है। टेंस किसका स्टडी है, इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स of the verb। हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है, टेंस क्या है। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। किसका स्टडी करता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। अब टेंस को भी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, इसको भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टेंस के थ्री पार्ट्स कौन कौन होते हैं देखेंगे। टेंस के थ्री पार्ट सेम होते हैं, जैसे हमने सिचुएशन को डिवाइड किया वैसे ही हमारे टाइम्स के भी थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। सेकेंड आता है हमारा पास्ट टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो आपने देखा हमारे टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्री पार्ट्स में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन हम प्रेजेंट टेंस का स्टडी करने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो कि समथिंग जो कि अभी जा चल रहा है, जो एक्टिविटी हम अभी कर रहे हैं वो हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। हम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। फोर टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, इसके फोर टाइप्स होते हैं। हम वन बाय वन करके देखते हैं कौन कौन टेंस होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर हमारा थर्ड वन होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
उसके बाद अपना लास्ट वन होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, टेंस। हमारे टेंस के हमने टाइप्स देखे कितने टाइप्स होते हैं, हमने टेंस के 4 टाइप्स देखे। कौन कौन देखा हमने? प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा हमने। हमारे टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? प्रेजेंट टेंस क्या है? हमने कितने टाइप्स देखे? हमने 4 टाइप्स देखे। हमारा ये प्रेजेंट टेंस हुआ, इसके कितने टाइप्स देखे? हमने 4 टाइप्स को देखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप देखने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। हम देखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है हम देखेंगे, जो एक्टिविटी अभी चल रही है, हम इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में इसको कैसे पढ़ते हैं हम पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है। आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है कि हम इसको हम कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है। हिंदी में हम इसे ता, ती, ते से पहचानते हैं, ते है। और इंग्लिश में हम इसे पहचानते हैं डू एंड डज से। इसको हम किसे पहचानते हैं? डू एंड डज से। हम एग्जांपल देके देखते हैं, राम जाता है, इसको हम ट्रांसलेट करें तो इसका होगा राम्स, राम गोज। हमने यहाँ पे ये हमारा कौन सा रूल सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमारे सेंटेंस हमको टेंस में 4 टाइप्स के सेंटेंस पढ़ने हैं। वो सेंटेंस कौन कौन से है? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमको पढ़ने हैं। तो हमने देखा आइडेंटिफिकेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, ता है, ती है, ती है, या इंग्लिश में हमको डू डज दिखेगा। इसका हम कुछ जैसे हमने मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, इसका रूल होता है। रूल क्या है हम देखेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस हम क्या लिखते हैं एस या ई एस ऐड करते हैं। ये किसके लिए? एक सिचुएशन का भी आता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। कौन सा? थर्ड पर्सन, दैट मीन्स कौन कौन होते हैं हमारे? ही, सी, इट। इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? एस या ई एस का। और बाकी सबके लिए किसका यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, फर्स्ट वर्ब प्लस यहाँ पे हम कर देंगे ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल लेके वन बाय वन स्टडी करेंगे। हम देखने वाले हैं एक सेंटेंस, जैसे मैं हिंदी में लिखता हूँ, मैं जाता हूँ, मैंने लिखा मैं जाता हूँ। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है हमारा मैं, वर्ब है हमारा जाता हूँ, जाता हूँ। आपको हिंदी यहाँ पे दिख रहा है ता है, ता है का मीनिंग क्या है? आपको यहाँ पे दिख रहा है ता है मीन्स ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट
सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के और जाता है तो हम हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आई, आई को इंग्लिश हम क्या कहते हैं, सॉरी मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं आई, एंड जाता का गो मीन्स होना होता है जाना, तो आई गो। ये हमारा क्या हुआ, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश में आप पूछ सकते हैं, इंग्लिश में हम अगर हमको कोई सेंटेंस इंग्लिश में दिया हो तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन के जो फॉर्म में होगा वो हमारा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना एग्जांपल, यहाँ पे लिखता हूँ वह जाता है, क्या लिखता हूँ मैं, वह जाता है, मैंने लिखा वह जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, सब्जेक्ट हमारा वह, वर्ब क्या हो गया जाना, वह जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ता है, ती है, रहेगा, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसका हम लिखेंगे वह को इंग्लिश में हम ही कहते हैं, इन जाना को इंग्लिश गो होता है, बट ये हमारा ही, सी, इट, ये हमारे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे ई एस यूज़ करेंगे। एस या आई एस कभी यूज़ करते हैं जब कोई वावेल ए ई आई ओ यू होता है तो हम ई एस यूज़ करते हैं, अगर कोई कंसोनेंट होता है तो हम वहाँ पे केवल एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, इसका हमने देखा ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव, हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं इसका रूल क्या है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डू और डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा हम दे सकते हैं। हमने देखा हमारा इस, अब आते हैं हम एक सेंटेंस देखते हैं, हम लिखते हैं राम नहीं जाता है, क्या कर रहे हैं हम, राम नहीं जाता है, राम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है राम, क्या करने का वर्ब क्या है, जाता है, यानी कि जाना है, और क्या बोल रहा है कि नहीं जाता है, यहाँ पे हमको क्या मिलता है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल हमने अभी ऊपर देखा है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज, और यहाँ पे हम डालेंगे वर्ब, यहाँ पे एक एडिशन कर लीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं, नॉट प्लस वर्ब वन, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो राम नहीं जाता है क्या लिखेंगे हम, राम डज नॉट, यहाँ पे डज लिखा क्योंकि हमारा राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं नहीं जाता हूँ, फर्स्ट पर्सन हम लेंगे, या आप नहीं जाते हैं, हम लिखेंगे आप नहीं जाते हैं, क्या लिखा हमने, आप नहीं जाते हैं, आप नहीं जाते, तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यू डू एंड डज, तो हम सेकेंड फॉर्म, सेकेंड वर्ब फॉर्म है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, सेकेंड पर्सन है तो आप क्या लेंगे, यू डू नॉट गो, हमने यहाँ पे डू क्यों लिया क्योंकि यहाँ पर हमारा सेकेंड पर्सन है, ये हमारा किसका था, इन निगेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या, इसका क्या होगा, जस्ट हम डू एंड डज को क्या कर देंगे, बाहर ला देंगे। इसका रूल हम देखते हैं, रूल क्या है, इसका रूल है हम डू एंड डज को क्या करते हैं, बाहर ला देते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, प्लस वर्ब वन, प्लस जो हमारा रहेगा हम वहाँ पे देंगे। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस, हम इसको नेगेटिव ही बना सकते हैं, जो सिंपल है। हम देखते हैं इसका एक कोई सेंटेंस देखते हैं, जैसे हम इसका पहले रूल पढ़ लेते हैं क्या है। हम तो सिंपल यहाँ पे जो वर्ब है सिंपल नेगेटिव का भी हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का आगे देखते हैं, क्या रहा हमारा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है, डू एंड डज जो हेल्पिंग वर्ब है हमको उसको बाहर लाना है और सब्जेक्ट के साथ लिख देना है। जैसे हम करते हैं क्या मैं जाता हूँ, मैं लिखता है सेंटेंस क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा। तो इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कैसे, हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमारा क्या है सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन जाता हूँ, ताहे दिख रहा है तो हमारा क्या हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। तो हमने इसमें क्या करना है, डू एंड डज फर्स्ट पर्सन रहेगा तो डू लाएंगे, डू कौन है सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, डू आई गो, ये हमारा क्या हुआ सेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। वही अगर हमारा थर्ड पर्सन रहेगा क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, तो हम इसको ट्रांसलेट कैसा करेंगे, बहुत इजी है। आप हेल्पिंग वर्ब यानी कि डज को बाहर लाएंगे, अब डज को बाहर क्यों लाएंगे जबकि हमारे यहाँ पे क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डज को हम बाहर लाएंगे। तो लिखेंगे डज ही गो, सेम वे में अगर हमको हमने देखा अगर वही हमारा यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, अब हम आगे देखते हैं, हमने देखा अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हम देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसमें हम देखेंगे ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जैसा ही होता है। इसका रूल क्या है, सेम रूल रहेगा हमारा, रूल हमारा सेम रहेगा। इसमें रूल क्या रहेगा, डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे, डू या डज या डू प्लस मेन वर्ब जो हमारा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस जो हमारा वर्ब रहेगा,
फिर यहाँ पर नॉट डालेंगे और प्लस जो हमारा वर्ब का डाल देंगे प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा रहेगा। इसका हम एग्जांपल लिखते हैं, क्या मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या मैं नहीं जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और नहीं है मीन्स ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन, और हमको हमारा जाना क्या हो गया, हमारा वर्ब है। तो हमको सेम रूल अप्लाई कर देंगे, हमारा रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं तो क्या लिखेंगे, डू। क्या दिख रहा है हमको, मैं, क्या डू आई नॉट गो, डू आई नॉट गो। अगर वही हमको यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन मिलता है, जैसे हम देखते हैं थर्ड पर्सन कोई, हम लिखते हैं यहाँ पे राम नहीं जाता है, क्या लिखते हैं हम, राम नहीं जाता है, क्या सेंटेंस है, सॉरी सॉरी इंटर, राम नहीं जाता है। हम इसको इंटरगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क पहले ला देंगे, तो हम लिखेंगे क्या राम नहीं जाता है, देन क्वेश्चन मार्क। हमको दिख रहा है राम नहीं, क्या राम नहीं जाता है, राम हमारा कौन सा है, थर्ड पर्सन, जाना हमारा हो गया वर्ब, ये क्या बाहर है इसलिए हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव हो गया, एंड नहीं है मीन्स नेगेटिव हो गया। ये हमारे टेंसेस हो गए, क्या राम नहीं जाता है, ये हमको दिख रहा है कि इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है, यानी कि हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, और लास्ट में हम सेंटेंस के देख रहे हैं कौन सा है, ता है, ता है मीन्स क्या हुआ हमारा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, कौन सा टेंस हुआ, सिंपल। तो इसका हम क्या करेंगे, डू या डज बाहर लाएंगे, क्या लाएंगे, डज बाहर लाएंगे, क्यों डज बाहर लाएंगे, क्योंकि हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डज क्या है, राम नॉट गो, क्या लिखेंगे, डज नाम राम नॉट गो। ये हमारा क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट टाइप्स हमने देखे, हमने क्या क्या देखा, हम अभी देखेंगे। क्या पढ़ा हमने, पढ़ा टेंस क्या होता है, तो हमने देखा टाइम एंड टेंस, टाइम सिचुएशन इंडिकेट करता है, और वो सिचुएशन कितने टाइम्स के टाइप्स के हो सकते हैं, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, एंड इन फ्यूचर हो सकता है। एंड टेंस, टेंस क्या करता है, टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो हमारा वर्ब है क्या काम कर रहा है, कभी हो गया या करने वाला है या कर रहा है, वो हमारा क्या है, टेंस है। उसका द स्टडी ऑफ वर्ब, जो हम वर्ब का स्टडी करेंगे वो हमारा क्या हो, टेंस है। टेंस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हमने लास्ट में, ये हमारे थ्री ब्रांच टाइप्स ऑफ टेंस है, हमने फिर देखा प्रेजेंट टेंस के, हमने टाइप्स देखे थे, प्रेजेंट टेंस के फोर टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम फिर उसके, हमने अब उसके टाइप्स देखे, कितने टाइप्स देखे थे हमने, हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन उसका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन हमने देखा था। अगर हम, हमें कोई सेंटेंस में दिखता है, अगर हमें सेंटेंस में दिखता है ता है, ती है, ती ते है, हिंदी सेंटेंस में, तो अब हम उस वाक्य को क्या बोलेंगे कि हाँ वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और अगर कोई सेंटेंस हमें इंग्लिश में दिखता है और उसमें हमें, अगर हमें कहीं नज़र आता है डू डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ सब्जेक्ट, तो हमारा वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, राम जाता है, राम गोज, हमने रूल इसका पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस, ये हमारा रूल था अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें कहीं थर्ड पर्सन दिखता है तो हम वहाँ पे ही सी इट यूज़ रहेगा, तो हम वहाँ पे थर्ड पर्सन यानी कि एस या एस का यूज़ करेंगे। मैंने एग्जांपल लिया था, मैं जाता हूँ, आई गो, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है,
जाना गो है। वह जाता है, यहाँ पे हमको थर्ड पर्सन दिखा था, वह क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है इसलिए हमने यहाँ पे ES का यूज़ किया है। देन हमने उसके बाद देखा था नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें डू या डज का यूज़ करते हैं, डू नॉट डज नॉट। उसके बाद हमने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज को हम जस्ट बाहर निकाल देते हैं और सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे वैसे ही अरेंज कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसका रूल हमने डू और डज बाहर निकाला था और सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का हमने यूज़ किया था। ये हमारा टेंस का फर्स्ट डे था और हमने आज सीखा टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, एंड टेंस के कितने टाइप्स हैं और सेंटेंस हमें सेंटेंस के कितने टाइप्स को पढ़ने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।